हेलो एवरीवन, वेलकम टू पम्पास रेसिपी। लेट्स प्रिपेयर सम बारबेक्यू स्टाइल पोटैटो स्नैक्स और पोटैटो काजन। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम होती है, और जब आप घर में अपनी सॉस बनाएं, वाइट सॉस जिस पे अनियन एंड गार्लिक की फ्लेवर हो, तो इसकी टेस्ट दुगुना हो जाती है। और ये स्नैक्स हर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं। आप इसे जरूर बनाने की कोशिश करें। बारबेक्यू स्टाइल पोटैटो स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह से छिलके सहित उबले हुए आलू चाहिए, और थोड़ी सी साइज छोटी आलू होती है तो और अच्छी बनती है, पर हमें हमें इस तरह के ही मिल रहे हैं, तो मैंने इसे उबाल लिया है। इसे बस इस तरह से अपने हथेली में लेना, हल्का सा ठंडा होने के बाद। और आप जब उबालते हैं इस आलू को, तो थोड़ा सा नमक डाल के उबालें, बस इतना सा ही आपको फ्लैटन करना है इस आलू को, और एक एक करके आप इसे फ्लैटन करके रख लें। तो अब हम एक हल्की सी बैटर तैयार करेंगे यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टीस्पून से 2 चम्मच रेगुलर फ्लोर लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है यहाँ पर मैंने टेबलस्पून के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च लिया है। आप जितने स्पाइसी खाते हो उसी के हिसाब से काली मिर्च पाउडर डालना। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाला है, कश्मीरी मिर्च रादर। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसकी अभी हम पतला सा एक घोल बना लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालें, बहुत ज्यादा ना डालें क्योंकि हमने आलू में ऑलरेडी नमक डाल के रखा हुआ है। इसकी पतली सी मैं एक घोल बना रही हूँ। तो हमारी ये बैटर जो पतली सी है ये तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतना होना चाहिए। अब हम पैन को रेडी कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पे रख दिया है चूल्हे पे, और गैस को ऑन कर लूंगी। इसके बाद आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में इसे आप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज करूंगी क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी होती है और लाइट होती है, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। हमारी ये तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं एक एक करके इस आलू को बस यहाँ दो तरफ लगा के इस तरह से लपेट के बस इसे शैलो फ्राई करूंगी। फ्लेम को लो में ही रखें। और इस तरह से मैंने चारों ओर से सारे आलू मैंने इसे फ्राई के लिए रख दिया है। जब तक हमारे ये पोटैटो इस तरह से शैलो फ्राई होते रहे, मैं एक सॉस तैयार करूंगी। चलिए हम उसे बनाते हैं। तो सॉस के लिए मैंने सबसे पहले कुछ फ्रेश क्रीम लिया है यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप क्रीम के जगह पर आप चाहे तो मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट दे रही हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ी सी ओरिगेनो दे रही हूँ, कुछ मिक्स हर्ब्स यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आपके पास अवेलेबिलिटी जैसे जैसे मसाला हो उसी तरह से आप यूज करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इतने सारे चीज मिलाने के बाद आपके पास ऑनियन पाउडर अगर है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है उससे। पर मैंने यहाँ पर फ्रेश ऑनियन की जूस निकाला है, और 2 गार्लिक मतलब लहसुन की फ्लेक निकाल के इसे एक साथ कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर इसे डाल के मिक्स करूंगी। इस तरह से अच्छी तरह से आप फेंट ले, और इस तरह से काफी अच्छी सॉस बन जाती है। क्रीम, हर्ब्स और अनियन और गार्लिक जूस के साथ मैं यहाँ पर ये सॉस तैयार कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। अगर आप मायोनीज यूज कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इतना कंसिस्टेंसी रखें। हमारी सॉस तैयार हो गई है, और देखते हैं हमारे ये आलू तैयार हुई कि नहीं। हम इसे पलट देते हैं, और लेट्स सी द अदर ऑपोजिट साइड की कितने ये फ्राई हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेम को मैं हाई करती हूँ, थोड़ा सा लाइट ही हुआ है और होना चाहिए था, कोई बात नहीं। हम इससे पलट के वापस एक बार इस साइड को फिर से हम फ्राई कर लेंगे, और तब तक हम बाकी सबको पलट देते हैं।
गैस की फ्लेम को थोड़ी सी मैंने मीडियम में कर लिया है। इसे काजू पोटैटो भी कहते हैं। ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और स्टार्टर में आप जब देंगे तो सबको पसंद आता है। साथ में जब इसमें आप सॉस डालेंगे घर में बनाए हुए जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इसकी टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है, बहुत ही यम होता है। तो यहाँ पर हमारी काजू पोटैटो फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ इस प्लेट में और फिर हम सर्व करेंगे। इससे आप बारबेक्यू स्टाइल पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं। सेम स्टाइल पे आप बारबेक्यू नेशन में जाते हैं तो वो सर्व करते हैं, हम बहुत आराम से खाते हैं। तो अब तो हमारा हर जगह बाहर जाना आना बंद है, हम क्यों ना घर में ट्राई करें और देखें। ये बहुत ही अच्छा होता है, आप जरूर इसे बनाने की एक बार कोशिश करें। और इसे आप ध्यान में रखें कि ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने सारा निकाल लिया है, बहुत गर्म है और बहुत क्रिस्प बनी है ये। इसके ऊपर ये जो घर में बनाया सॉस, इसे मैं अब इसमें डालूंगी।